कोरोना काल में हर सेक्टर पर मंदी का भयानक असर हुआ है। इसी मंदी के बीच ज्यादातर सेक्टर्स ने इस महामारी से खुद को बचाने और आगे बढ़ने का रास्ता भी खोज निकाला है। एफएमसीजी सेक्टर ने भी हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार जमाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। कोरोना काल में ज्यादातर सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1,00,000 लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। वेस्टेज के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में 2,000,000 लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें वेस्टेज जैसी कंपनियों की बिक्री में 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर $2.47 अरब पर था। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट कोरोना के बाद फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेशली ऑनलाइन जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके करके ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के करके लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं बल्कि पैंडेमिक के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपने लिए एक सस्टेनेबल एंड वायबल सोर्स ऑफ इनकम देख सकें। एफएमसीजी में हेल्थ हाइजीन और वेलनेस के बाद ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त रही। लॉकडाउन में तो घर में पकवान बनाने के लिए लोगों ने जमकर तमाम तरह के खाने पीने का सामान खरीदा।